हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एक टास्क को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग रिवर्स वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। तो चलिए सबसे पहला सिनेरियो समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आई और जे कॉलम, ये मेरा डेटाबेस है। यहाँ पे मेरा एक्चुअल डेटा है। अब ये एक्चुअल डेटा में जो कैंपेन कॉलम है, कैंपेन कॉलम में आपका पहला अंडरस्कोर के पहले जितने भी आपके डिजिट है, ये आपका क्लाइंट कोड है। जैसे कि आप डेटाबेस में देख रहे हो वैल्यू शॉर्ट कोड, तो बेसिकली हमारे पास ये अंडरस्कोर के पहले ये वैल्यू शॉर्ट कोड है। अभी हमें यहाँ पे क्लाइंट कोड के नीचे एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना है कि वो फार्मूला फर्स्ट अंडरस्कोर के पहले जो भी आपके शॉर्ट कोड होंगे, वो शॉर्ट कोड के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे देगा। जैसे कि यहाँ पे KFG है, तो यहाँ पे KFG के लिए हमारे पास KFG अंडर यहाँ पे हाइफन और जनरल है, तो यहाँ पे हमें आंसर आना चाहिए KFG हाइफन जनरल। ऐसे और बहुत सारे कोड हो सकते हैं। राइट नाउ हमने शॉर्ट डेटा लिया है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे फार्मूला हमें एक डेवलप करना है। तो फार्मूला में मैं आपको बताता हूँ स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमें एक ये फार्मूला डेवलप करना होगा जो फर्स्ट अंडरस्कोर के पहले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड फर्स्ट अंडरस्कोर। तो हमें सबसे पहला फर्स्ट अंडरस्कोर कितने कैरेक्टर पे है वो जानना है, बिकॉज हम यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लेंगे और उसको हम लुकअप फार्मूला के अंदर मर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लूँगा, ये वाला सेल रेफरेंस लूँगा B2, बिकॉज हम B2 के लिए सबसे पहला फार्मूला बनाएंगे और वो फार्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करेंगे। तो हम यहाँ पे B2 में सबसे पहला हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, फाइंड टेक्स्ट, सॉरी B2 नहीं आएगा, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा। हमें यहाँ पे अंडरस्कोर ढूंढना है। अब बता रहा है कि विद इन टेक्स्ट कहाँ से, तो मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ से B2 में से अंडरस्कोर ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका आएगा, ये बताएगा फोर्थ कैरेक्टर पे, जबकि मुझे यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंसेस में फॉर्मूला जब भी यूज़ करूँगा तो लुकअप वैल्यू होगी वो मेरी अंडरस्कोर के पहले तक होगी। तो अंडरस्कोर के पहले तक होगी, तो मैं यहाँ पे -1 का यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अंडरस्कोर के पहले तक का वैल्यू आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे -1 का यूज़ किया। तो हमें ये एक फार्मूला हमने एक डेवलप किया है। अब ये फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाले फार्मूला को डालेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट के अंदर, तो हमारा ये फार्मूला मर्ज होगा लेफ्ट फार्मूला के अंदर। तो लेफ्ट बिकॉज हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे कि KFG है तो KFG आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला को कॉपी करूँगा इक्वल टू छोड़ के, बिकॉज ये एक दूसरे फार्मूला के अंदर मर्ज होगा। तो मैं यहाँ पे डालूँगा लेफ्ट, लेफ्ट में बोल रहा है कौन सा टेक्स्ट, तो मैं बोलूँगा B2 मेरा टेक्स्ट होगा। अब बता रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, तो हमने ये फार्मूला बनाया जो मुझे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बता रहा है कि अंडरस्कोर के पहले कितने कैरेक्टर मुझे पिक करना है। तो मैंने वो फार्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए ये आपका फार्मूला बन गया। अब ये जो फार्मूला है ये आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस में जाएगा, बिकॉज मुझे ये डेटाबेस से, ये कोड को डेटाबेस से लुक करके वैल्यू को फेच करना है। अब आप यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज मेरा जो कोड है वो आगे है और वैल्यू पीछे से फेच करना है, तो यहाँ पे वी लुकअप आपका फेल हो जाएगा। या तो आपको रिवर्स वी लुकअप यूज़ करना होगा या तो आपको इंडेक्स मैच यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ, दोनों का यूज़ करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सबसे पहला रिवर्स वी लुकअप होगा तो कैसे होगा वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो रिवर्स वी लुकअप अगर यूज़ कर रहे हो तो हम सबसे पहले ये फार्मूला को कॉपी करेंगे जो मेरी लुकअप वैल्यू को फेच कर रहा है। तो ये फार्मूला को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके वी लुकअप का यूज़ करता हूँ, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अब बोल रहा है लुकअप वैल्यू क्या है करके, तो मैं बोल रहा हूँ लुकअप वैल्यू है मेरी ये वाली फार्मूला जो मैंने बिल्ड किया हूँ। अब बता रहा है टेबल एरे, बिकॉज हम यहाँ पे रिवर्स वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, तो टेबल एरे में हम चूज़ का यूज़ करेंगे। चूज़ में हम कर्ली ब्रैकेट्स में 1 और 2 डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और वैल्यू 1 जो होगी मेरी ये पूरी एंटायर मैं रेंज से देता हूँ, और वैल्यू 2 जो होगी ये मेरी एंटायर रेंज होगी। यहाँ पे आपका क्लोज का काम हो चुका है। क्लोज का काम होने के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे सेकेंड रो से एग्जैक्ट मैच करके वैल्यू लेके आओ। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया फार्मूला आपका रेडी, अगर आप रिवर्स वी लुकअप यूज़ कर रहे हो तो। मैं ये फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे KFG है तो KFG जनरल ले रहा है, और जैसे मैं ये फार्मूला को नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे KRS जनरल, आपका KRS जनरल कनाडा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बन चुका है।
चलिए अब इस चीज़ को हम इंडेक्स और मैच के साथ भी समझते हैं। तो इंडेक्स और मैच के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, बट फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम ये लुकअप वैल्यू जो हमने लेफ्ट फॉर्मूला की बनाई थी वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इंडेक्स और मैच की। तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स में जो आपका टेबल एरे है वो ये दो कॉलम होंगे। यहाँ पे रो नंबर के लिए हम मैच का यूज़ करेंगे, मैच में हमने लुकअप वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला कॉपी किया था वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपका लुकअप एरे जो होगा, लुकअप एरे आपका होगा ये कॉलम, यहाँ से वो लुक करेगा, मैच करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए करेंगे। यहाँ पे हमने रो नंबर दे दिया है जो मैच फॉर्मूला मुझे निकाल के देगा, और कॉलम जो है कॉलम आपका बाय डिफॉल्ट वन होगा, बिकॉज हम पीछे हमारा फर्स्ट कॉलम है जो टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम है वो वैल्यू हम फेच करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे वन दे दिया और मैंने एंटर किया। देखिए यहाँ पे इंडेक्स और मैच का भी आपका फॉर्मूला फ्रेम हो चुका है। आप ये एंटायर फॉर्मूला को कॉपी कर लो, और चाहिए तो इसके जगह पे आप वीलुकअप जो हमने बनाए थे उसकी जगह पे हम इस चीज़ को रिप्लेस करते हैं, या मैं आपके बताने के लिए क्या एक सही रिजल्ट आ रहा है इसके लिए मैं बाजू में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला को मैं अगर नीचे ड्रैग करूँ तो ये भी मुझे क्या है, मुझे सेम रिजल्ट निकाल के दे रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंडेक्स और मैच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा।